भाई साहब व्यू चाहिए, व्यू के लिए कुछ भी करेगा, चोपता तक जाके रहेगा भाई। क्या ही जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। Rahul is an amazing trekker, guide, everything. So hello friends, welcome back to the vlog. मैं राहुल नेगी, आप देख रहे हैं Lands on Wonder. Hope आप सभी में इतना मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बर्फ। तो इस व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ चोपता की हसीन वादियों से, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो देखिए आज का व्लॉग कैसे स्टार्ट हुआ था, एंजॉय कीजिए। तो जस्ट अभी उठाऊँ और गला जो है बिल्कुल चौक हो रखा है, और ये हमारा कमरा। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से व्यू। देख सकते हो आप सामने जो है बर्फ गिरी हुई है, और अभी भी जो ऊपर चोपता में बर्फ गिर रही है। और इस साइड का व्यू देखो यार, बहुत ही प्यारा। हम भी होते हैं फटाफट तैयार अब चोपता जाने के लिए, और आप कीजिए टाइम लैप्स एंजॉय तब तक। पंच बदरी पंच केदार पंच पराग यक्षिण पंच पराग यक्षिण। सुबह सुबह का नाश्ता विद प्रियांशु, लंबे समय बाद। सो एवरीथिंग इज सेट, नहा धो के तैयार हो चुके हैं, नाश्ता भी कर लिया है और डाटा भी ट्रांसफर कर लिया कल का, और निकलते हैं अब यहाँ से चोपता के लिए। ये है यहाँ का बस स्टैंड, जहाँ पे एक भी बस नहीं खड़ी है, बस टैक्सियाँ खड़ी है, मतलब टैक्सी स्टैंड। तो ओखी मठ में भी जो है ना एक हेलीपैड की सुविधा आने वाली है बहुत ही जल्दी। यहाँ पे बन रहा है एक हेलीपैड ऊपर, और यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट यानी कि ऊपर चोपता के लिए। वो जो सामने बर्फ पड़ी है वो है तुंगनाथ, और देखते हैं वहाँ तक तो शायद ही जा पाएंगे, लेकिन चोपता तक जरूर जाएंगे। अब देखते हैं बर्फ आगे कहाँ तक पड़ी है। और बार बार जो है ना मेरा एसडी कार्ड दिक्कत कर रहा है। सुबह मैंने जो है डाटा ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद से जो है इस एसडी कार्ड में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, खोपड़ी ख़राब हो गई है मेरी। जैसे ही मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही कुछ ना कुछ हो जा रहा है इसको, फिर मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना है। फिर दोबारा रिकॉर्ड करते हुए ना वाली फील नहीं आती जो एग्जैक्टली उस समय बोला जाता ना। ये देख सकते हैं आप बीच बीच में आइस जमी हुई है, एकदम से जहाँ से खाली है वहाँ से निकालेंगे। अब तेरी पैंकर क्या बात है भाई, एकदम सफ़ेद चादर में पहुँच चुके हम, और इसके ऊपर जाके तो और भी सफ़ेद होने वाली है। ओ क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, प्यार है इन नज़ारों से हमें। ओ भाई सो रिस्की, सो रिस्की। कीचड़ स्लच आइस सब कुछ है यहाँ, बहुत ही भयंकर। आराम आराम से यह जाने वन। भाई साहब व्यू चाहिए, व्यू के लिए कुछ भी करेगा, चोपता तक जाके रहेगा। और भाई जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ ना, मौसम देखो यार क्या ही हो गया भयंकर भाई, सब फंसे पड़े इधर, हालत ख़राब सबकी। तो मैं ये वाला रिस्क नहीं लूँगा फिलहाल, मैं बाइक करता हूँ साइड पे खड़ी, और आपको दिखाता हूँ आगे के नज़ारे। पैदल पैदल, अब साथ में कोई है नहीं तो बाइक अपन चढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए बाइक मैं यहीं पे खड़ी कर रहा हूँ, और यहाँ से जाएंगे हम पैदल। हाँ फाइनली यहाँ तक तो आ ही गया मैं, ग्रेट। कोई होता साथ में बाइक को धक्का मारने के लिए तो जा सकता था, बड़ा पैदल चलेंगे। कहाँ चोपता जाओगे सीधे? ओ तुंगनाथ, ये क्या है, कूलेंट लीक हो गया क्या? भाई तो ये मुख्य द्वार तुंगनाथ जाने के लिए, तो यहाँ से चलते हैं अंदर।
भाई ट्रैक तो मैंने स्टार्ट कर लिया है बिना कुछ सोचे समझे, और इधर तो तगड़ी वाली आइस जमी हुई है ब्लैक, और यहाँ पे थोड़ी वाइट है तो इस पर चल रहा हूँ। पता नहीं आगे कैसा होगा। वो यहाँ पे ना गिरूँ यार, अगर गिरा ना तो ये इतना सारा सामान है और साथ में फ़ोन है, हालत ख़राब हो जाएगी। और ये देखो यार भूटिया कुत्ता कितना ही मोटा। बहुत ही गंदा स्लिप हो रहा है यहाँ पे। वाह बर्फ पड़ रही है। और यार देख सकते हैं आप हमारे जाते ही स्नोफॉल होने लग गया है। वाओ भाई क्या ही जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है, मजा आ गया। भाई साहब ऊपर जाते जाते जो है हालत खराब होने लगी क्योंकि जो है स्नोफॉल होने लग गया, और अकेले हम क्या करें, ऊपर जाए कि नहीं जाए, कहीं फंस ना जाए। ऐसा नहीं सोचा था कि इतना तगड़ा स्नोफॉल होगा। वाह तो अभी आ चुका हूँ मैं आधे रास्ते में, और व्यू देखो यार मेरे पीछे का। ये मंदिर के बारे में बताया हुआ है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला कर्म कूटा मेरो यू जन को। तो अभी जो है ना मैंने फैसला लिया है नीचे जाने का, और नीचे का व्यू देखिए एक बार, एकदम वाइट वंडरलैंड। चलते हैं नीचे। और जब आप जगहों को एक्सप्लोर करते हैं ना तो आपको जो है नए नए लोग मिलते हैं। तो मुझे मिली है मैम, मैम जो है देहरादून में जॉब करती हैं, और ये उनकी बेटी। ये है मैम जो देहरादून में जॉब करते हैं, और ये है मैम की बेटी। Rahul is an amazing trekker, guide, everything. और जब मैंने मैम के मुझे सुना ना कि मैम की बेटी है तो मैं चौंक गया। Yes, she is my daughter. We have completed one trek and this is our second. और अभी अभी दयारा बुग्याल करके आ रहे दोनों के दोनों। तो कैसा लगा आपको दयारा बुग्याल? बहुत ही अच्छा, चैलेंजिंग है, बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन इतना स्नो तो नहीं दिखा था ये बहुत। यहाँ पे तो देखो अभी फ्रेश स्नो पड़ रही है यहाँ पे, तो सस्तों गिरी हुई है देख। तो भाई घुस गया अंदर, और एकदम स्नोफॉल चल ही रहा है यार। हमें राहुल बताए, राहुल मीट राहुल मिल गया। ये दुखाते रुको दिखाते हैं राहुल भाई को। हाँ स्नोफॉल हो रही है। ये जो है ये राहुल भाई है, हमें राहुल भाई मिला। नेटवर्क तो इशू होगा, वो तो बाय चांस आपका लक अच्छा है इसीलिए मिल गया, नहीं तो नहीं मिलते। पंच पराग यक्षिण, पंच पराग यक्षिण, पंच पंडों बियनी अख, भाग हमरा धन धन, भाग हमरा धन धन, कुनिछिन एक ताल छिन, मठ यकी महान छिन, मठ यकी महान छिन, ताल सहस्त्र घाटी फूलों की आसमान छिन, गंगा जमुना यक बिटी सभ्यों की, भूख तीस मिटानी चाहो, कत करो तेल स्वाणी चाहो। नीचे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे पड़ रही है बर्फ, कहीं फंस ना जाए बीच में बाइक में, हम तो रिस्क नहीं लेंगे, और नीचे चलते हैं यहाँ से। कौन है ये? यार कितनी भर भर के बर्फ पड़ी हुई है।
ही आराम आराम से। ये वाली आइस जो है थोड़ी जम गई है ना, तो इस चक्कर में फ्रेश तो था लेकिन इतना लोगों का वो स्टैम्पिंग थे ना, वो उतने डीप स्नो में चलना भी बेटर है क्योंकि उसके लिए ऐसे ही यूं करके चलना पड़े। हाँ। बट ये स्लिप मारेगा। मैंने खुद इस ट्रैक पे देखा है सैंडल में। वही वही अभी आई वाज लाइक ये तो अलग लेवल का हीरो है। तो फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं चोपता। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये भाई के साथ तो बहुत ही अच्छा गया। और बर्फ भी दिख गई है। हाँ, बहुत 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 बर्फ भी दिख गई। देखते अब जाएंगे ऊखी मठ। और अब जो है मैं चल रहा हूँ पैदल जहाँ तक हमने बाइक खड़ी करी है, कम से कम 1 किलोमीटर है यहाँ से। पैदल पैदल चलते हैं मस्त एंजॉय करते हुए। और बर्फ़ देखो यार मेरे पीछे, इन्हीं व्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था और बिल्कुल सक्सेस हो गया, मज़ा ही आ गया। बिल्कुल बुरांस लदे हुए हैं और बर्फ़ और मौसम एकदम खतरनाक। तो टाइम से चल रहे हैं हम नीचे। और बर्फ़ जो है ना इतनी मेहरबान है आज हम पे कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बर्फ़बारी होने लग जा रही है। अभी अभी पैदल चलते चलते यहाँ भी बर्फ़बारी होने लगी इधर। वो तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपनी बाइक के पास और चलते हैं अब नीचे ऊखी मठ। भाई साहब बहुत स्लिप मार रहा पीछे का टायर। चोपता आके बर्फ देखने का सपना पूरा हो गया जो हमने सोचा था एग्जैक्टली वही हुआ। वाह क्या गजब नज़ारे हैं यार, दिल छू लेते हैं, मन करता है इधर ही रह लो बट ज़्यादा दिन नहीं रह सकते ना, 1-2 दिन तो चलता है उसके बाद करेंगे भी क्या है। भाई साहब ये कीचड़ और इतनी तेज चमक रही है ना ये आइस सूरज की रोशनी में कि कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे, समझ नहीं आ रहा कि रोड गीली है या बर्फ जमी हुई है। और कमर दर्द हो गई है यार चल चल के ना, और कल रात को ठीक से सो भी नहीं पाया था। मन कर रहा है कि सैडलिंग करें। वाह यार कितना ही मज़ेदार व्यू है यार। जस्ट क्रेजी फॉर दिस व्यूज। या वाह ब्रो इधर मत आना भाई, हुस्न ये चोपता का, चोपता की सफ़ेद वादियाँ। और अभी बजने वाला है 4 और मौसम देखो यार भाई क्या ही हो गया है, यहाँ तो बिल्कुल ही ब्लैक हो रखा है, कल से बारिश ही हो रही है भाई, क्या विंड ब्लास्ट चल रहा है भाई, बड़ी भयंकर हवा चल रही है। पहुँच गए हम ऊखी मठ। तो फाइनली जो है मैं पहुँच चुका हूँ कमरे पे और बिल्कुल कंबल डाल के हम लेट गए और ये वहाँ से जी जो है अभी आ रहे हैं। आज ही मेरे साथ आया नहीं, इसको कुछ काम था तो ये वो करने के लिए जा रखा था। तो होप सो आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।